अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं वीडियो बताया था कि मोटे कपड़े पे मशीन आवाज़ क्यों कर रही है, उसके बारे में बताया था। आज मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, दाब है ना, ये दाब कम उठ रही है, ये दाब कम उठ रही है और मोटे कपड़े पे सही से खींच नहीं रही है। ये देखिए, मोटे कपड़ा अगर ज़्यादा घट मोटा रहे तो इसमें हम फंसाएंगे, इसमें फंसाएंगे तो ये कम से कम इतना उठना था कि अगर इतना उठे तो क्या है, कपड़ा खींच लेती है। तो सबसे पहले हम ये दो नट खोलेंगे। ये पहले से मैं खोल रखा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ का नट खोलेंगे, फिर उसके बाद ये नट खोलेंगे। ये बोल्ट खोलेंगे, ये स्प्रिंग को निकाल लेंगे, ये स्प्रिंग। ये बोल्ट खोल के इसको हटा लेंगे। अभी इसको ऐसे फंसा लेंगे और ऊपर से इसको यहाँ पे हम इस तरह ऊपर से इसको फिराएंगे, इस तरह फिराते फिराते इसको फिराते आके ऊपर निकाल लेंगे। ऐसे करके ये देखिए, इधर से निकल गई है। निकलने के बाद इसको क्या करेंगे, कभी कभी क्या आती है इसमें ज़्यादा ये आयल डाल देते हैं ना, तो इसमें ये क्या बोलते हैं, ये दाब में यहाँ पे आयल जम जाती है, तो स्टिचिंग मारते हैं ना, स्टिचिंग मारने से क्या है, काला काला हो जाती है, कपड़े में दाग पकड़ लेती है। क्या करेंगे, इसको अच्छा से साफ कर लेंगे।
ये पीछे का एंगल है इसको निकाल लिया है, फिर ये भी एंगल है इसको निकाल लिया है, सबसे पहले स्प्रिंग लेंगे। ये क्या है, स्प्रिंग ढीला हो जाती है ना, इसके वजह से है ना इसमें प्रेशर नहीं दबा पाती है, क्योंकि स्प्रिंग का हाइट थोड़ा इतना रहता है और ये दबते दबते इसका हाइट छोटा हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्रिंग को खींचेंगे, इस तरह खींच लेंगे अच्छा से, ऐसे खींच के फिर इसके बाद है ना इसको अच्छा से इसमें कपड़ा डाल के इसमें भी कचरा रहती है इसमें भी कपड़ा डाल के अच्छा से साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद पहले यही डालेंगे, छोटा वाला डालेंगे, फिर उसके बाद ये डालेंगे, ये ऐसे जाके फंस जाएगी। तो फिलहाल मैं अभी इसको अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको ऊपर डालेंगे, ये देखिए अंदर का खांच, ये जो खांच है ये खांच में ये जाएगी। तो पहले इसके हिसाब से ये अंदर के हिसाब में ले लेंगे, तब उसके बाद है ये रड को हम ऊपर खींच लेंगे, खींचने के बाद है तब अंदर डालेंगे। फंस गई ये घाट में, अंदर वाला घाट में ये वाला पल्ला, ये जो पार्ट है फंस जाना चाहिए। ये जो प्लेन वाला है खांच है, ये साइड का, ये साइड का प्लेन ये बाजू रहेगी, ताकि ये स्क्रू पीस में चली जाएगी। थोड़ा और सीधा हो गया, ये पहला बोल्ट पहले टाइट कर लेंगे, ये जो बोल्ट है, ताकि ये सपोर्ट हो जाएगी। सपोर्ट हो गई है, अब ये दाब लगा के देखेंगे कितना भी आ रही है। अब इसको हम ऊपर करके देखेंगे, ये तो ये ऊपर और जाएगी। हम इसको पहले ये सुई को खोल लेंगे, ये तो सुई टूट जाएगी।
पहले हम इसको कुछ रख लेंगे नीचे, इसके अंदर रख लिए। अब इसको हम अभी इसको थोड़ा नीचे करेंगे। और थोड़ा नीचे जाएगी, अब देखेंगे। ये देखिए ये दाब कितना ऊपर उठ रही है, एक उंगली जा रही है। फिक्स कर देंगे यहाँ पे। अब इसको स्प्रिंग डाल देंगे। इस तरह करके आपको इसको नचा नचा के निकालना भी है और इसको नचा नचा के अंदर स्प्रिंग डाल भी देना है। ये बोल्ट को स्प्रिंग को ऐसे पकड़ लीजिए। अब देख सकते हैं पहले बहुत लूज लूज आ रही थी, अभी स्प्रिंग लगाने के बाद ये सेट हो गई है। ये वाला पल्ला को भी, ये ऊपर वाला पल्ले को भी बस इतना ही उठाना है। अब इसको कुछ ज़्यादा उठ गए तो अब क्या करेंगे, ऊपर से हल्का बस इतना सही है। अब इतना पे हम फिटिंग कर देंगे। ये बोल्ट को हम अच्छा से टाइट करेंगे, अगर ये अच्छा से टाइट नहीं हुआ तो फिर सेंटर आउट हो जाएगी। अब इसको हम फिटिंग कर देंगे। अभी कपड़े पे आप सिलाई मार के देखेंगे सिलाई किस तरह खींच रही है। ये देखिए अच्छा खींच रही है। अभी सुई लगा के अब इस स्टिचिंग करेंगे। एक कपड़ा ले लेंगे,
सिलाई करके देखेंगे। ये देखिए सिलाई भी हो रही है। अब ये यहाँ से या नीचे से और सिलाई मिलाना पड़ता, इसको ऊपर के हिस्सा में थोड़ा टाइट कर लेंगे। अब सिलाई चलाएंगे। अब देखिए सिलाई अब अच्छा दे रही है, ये देखिए नीचे का इसका दाब का सेटिंग पूरा कंप्लीट हो गई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, बेल का घंटी ज़रूर बजाएं। उससे क्या है, जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन पहले आपको पहुँच जाएगी।